हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुछ ऐसा फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको ऐसा फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। सो आपको अगर मैंने नया लोगो बनाया अपने चैनल के लिए, अगर आपको ये लोगो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको उस तरीके की फोटो एडिटिंग, सो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली से इतना आपको सर्च कर लेना होगा, lunapic.com। अभी वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करना, lunapic जल्दी से। अरे यहाँ पर मैंने lunapic फॉर्म लिख दिया, सो मैं जल्दी से lunapic लिख लेता हूँ। lunapic यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये मैंने lunapic क्लिक कर, ये पहली वेबसाइट आई है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3D डॉट मिल जाता है, 3D डॉट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग 3D डॉट पर 3 लाइंस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना होगा, एडजस्ट पर जाना होगा और यहाँ से आपको कलर को चूज़ कर लेना होगा। फिर उसके बाद एडजस्ट कलर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना होगा, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप लोग अपनी फ़ोटो को चूज़ कर लेना। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही फ़ोटो को चूज़ कर लिया है। सो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से मैं इस फ़ोटो को यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। सो मैं इस फ़ोटो को जल्दी से यहाँ पर हटा देता हूँ। सो दोस्तों, अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर अभी नहीं जा रही थी। सो मैं दोबारा से आपको, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, अभी यहाँ पर मैंने दूसरी फ़ोटो को चूज़ कर लिया है, देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना होगा, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को हल्का सा आपको बढ़ा लेना होगा। बढ़ाने के बाद रेड को आपको कम कर देना होगा, ग्रीन को आपको, आपके अगर फ़ोटो में ग्रीन है तो आप लोग उसे बढ़ा सकते हो। सो मैं हल्का सा यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ। फिर उसके बाद आप लोग ब्लू को कम कर सकते हो, अगर आपके में ब्लू ज़्यादा है तो आप लोग ब्लू ज़्यादा कर लीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी यहाँ पर ये फ़ोटो बन चुकी है। तो गाइस, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको फोकस करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर ये कितनी अच्छी फ़ोटो है। सो गाइस, अगर इसे आपको डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली से आपको नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ से आपको इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डाउनलोड इमेज कर लेना होगा। फिर उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अभी थोड़ा सा और भी फ़ोटो एडिटिंग बाकी है, आपको दोबारा से जाना होगा, 3 लाइन पर क्लिक करना होगा नीचे की तरफ। यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये बॉर्डर्स का, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो, नीचे की तरफ आना होगा, विगनेट पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाता है, आपको सिंपली से नीचे की तरफ आना होगा। नीचे की तरफ आते ही यहाँ पर आपका कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ से आपको, रुकिए मैं आपको दिखा दूँ। सो दोस्तों, अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली से जाना होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको ये कलर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको ब्लैक चूज़ कर लेना होगा। सो मैं चला जाता हूँ इधर से, यहाँ पर ये ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ जल्दी से, देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने ब्लैक ले लिया। अब यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना होगा, अब यहाँ से आपको इसे डन कर देना होगा। सो मैं यहाँ से जल्दी से इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये जो आप लाइक का बटन दिख रहा है, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर आपको कुछ देर यहाँ पर आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पर आपका कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाना होगा। नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना अच्छा फ़ोटो बन चुका है, डाउनलोड इमेज आप लोग इसे कर लेना। फिर उसके बाद आप लोग गैलरी में जाकर इसे देख सकते हो। सो दोस्तों, भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा फ़ोटो एडिटिंग हुआ है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।